हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा डोंगावकर, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी जितने भी बहनें हैं जिनको मेनोपॉज हो गया है उनके लिए ये वीडियो है। और मेनोपॉज में आपके स्किन का और हेयर का कैसा देखभाल करना चाहिए उसके लिए ये वीडियो है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मेनोपॉज में हमारे स्किन और हेयर में क्या फर्क होता है। जैसे कि ये समझने के बाद आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेनोपॉज में क्या होता है कि मेनोपॉज जैसे जैसे शुरू होता है तो हार्मोन्स के जो सेक्रेशंस है वो शरीर में कम होने की वजह से पहले तो कोलेजन कम होने लगता है। जब कोलेजन कम होने लगता है तो हमारे फेस पे लाइन्स आने शुरू हो जाते हैं जिसको रिंकल्स बोलते हैं या झुर्रियां बोल सकते हैं। तो ये लाइन्स धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो इसमें कोलेजन का जो शेप है वो इरेगुलर हो जाता है, कोलेजन कम भी प्रोड्यूस होने लगता है, इस वजह से लाइन्स आना शुरू होता है। और दूसरी बात है कि स्किन एज के हिसाब से धीरे धीरे पतली होने लगती है। जब स्किन पतली होते हैं तो वो लाइन्स और भी बढ़ते हैं। इलास्टिन जो हमारे स्किन के लेयर में रहता है तो एपिडर्मिस में रहता है वो एक तो कोलेजन और दूसरा इलास्टिन, तो इलास्टिन की भी हानि होना शुरू होता है। इलास्टिन से जो हमारी स्किन इलास्टिक रहती है जैसे कि हम बोलते हैं वो खींचने के बाद भी तुरंत अपनी जगह पे आ जाना, तो उसकी इलास्टिसिटी जब लॉस्ट होने लगती है तो एक तो स्किन पतली भी होती है और उसके बाद स्किन डल दिखना शुरू होता है। हम बोल सकते हैं कि बेजान त्वचा कि जिसमें कोई जान ही नहीं है। तो बेजान त्वचा क्यों लगती है? क्योंकि अपनी स्किन का जो टर्नओवर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो एक जगह पे जमा होने की वजह से फिर वो स्किन डल होने लगती है। तो वो टर्नओवर जो हमारे स्किन का डेड होना शुरू होता है तो उसको कम करने के लिए क्या होम केयर लेना चाहिए वो हम देखेंगे आगे। तो इस तरह से फिर स्किन डल होना, स्किन पतली होना और इलास्टिन कम होना, कोलेजन कम होना, ये सारी वजह से स्किन एक तो बेजान भी दिखती है और रिंकल्स आना शुरू होता है। फिर उसकी वजह से हमारा जो एजिंग है वो बहुत जल्द शुरू होता है मेनोपॉज के बाद। फिर हेयर में क्या चेंजेस आते हैं? जैसे जैसे मेनोपॉज शुरू हो जाता है और धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ने लगता है तो हेयर थिनिंग भी चालू होता है और हेयर से एकदम पतले होने जाते शुरू हो जाते हैं। और सामने अब हम जो बोलते हैं कि फ्रंट साइड के जो बाल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, उसको फीमेल बाल्डनेस भी बोलते हैं। किसी किसी फीमेल्स में बाल्डनेस जल्दी दिखता है और किसी का एकदम थिनिंग होता है, मतलब स्काल के ऊपर एक ही लेयर रह गया है बालों का, ऐसा भी पोजिशन कभी कभी आ सकता है। तो इस तरह से स्किन का और हेयर का नुकसान मेनोपॉज में शुरू होता है। तो अभी हम उसके लिए क्या होम केयर ले सकते हैं? पहले तो जो ड्राइनेस शुरू हो गया है स्किन का उसके लिए हमको मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करना बहुत जरूरी है, उसको हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो इंटेंस मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, पैराबिन बेस्ड मॉइस्चराइजर भी सजेस्टेड है मेनोपॉज के बाद, जिससे कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है क्योंकि स्किन पतली होने जा रही है एज के हिसाब से, तो सनबर्न जल्दी हो जाता है, इसलिए बाहर जाते समय कंपलसरी सनस्क्रीन लगाना है। और 45 टू 50 की एज में फिजिकल सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छा रहेगा स्किन के लिए। तो स्किन के सनस्क्रीन यूज करते समय उसमें इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसमें जिंक ल्यूसिनामाइड है, तो ऐसा सनस्क्रीन यूज कीजिए, फिजिकल सनस्क्रीन यूज कर कीजिए जिसकी वजह से आपके स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगा। और नाइट क्रीम अगर आप यूज करते हैं तो मेनोपॉज होने के बाद ग्लाइकोलिक एसिड जिसका इंग्रेडिएंट है ऐसा नाइट क्रीम आप यूज कीजिए जिसकी वजह से स्किन का एक्सफोलिएशन बढ़ेगा और एक्सफोलिएशन बढ़ने की वजह से डेड स्किन निकल जाएगी और आपकी स्किन को चमक आना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो स्किन के डैमेज होता है और हेयर का डैमेज होता है उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो उसमें पीलिंग होता है, उसमें एंटी एजिंग पील भी होते हैं जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होते हैं और स्किन का एक्सफोलिएशन ज़्यादा होता है।
स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए एक स्पेशल पिल आता है, जो करने के बाद आपका हाइड्रेशन और बढ़ता है स्किन का। इसकी वजह से फिर स्किन का ड्राइनेस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये ट्रीटमेंट होता है, और पिलिंग के साथ साथ आप कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम केयर तो मैंने बता दिया क्या करना चाहिए। तो मेडिसिन जो आयुर्वेदा में स्पेशल मेडिसिन आते हैं, जिससे कोलेजन बढ़ना शुरू होता है, और ये कोलेजन बढ़ने के लिए अगर 6 मंथ के लिए ये मेडिसिन लिए, तो वो कोलेजन का परसेंटेज जो अच्छा होता है, स्किन को टाइटनिंग होता है, तो वो बहुत दिनों तक वैसे ही रहता है। उसके लिए ज़्यादातर अश्वगंधा यूज होता है, शतावरी यूज होता है, और बाकी सारे बहुत सारे हर्ब्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन बनाकर ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया जाता है। तो उसकी वजह से कोलेजन के शॉट्स लेना, उससे भी अच्छा रिजल्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन से आता है। और कोलेजन और इलास्टिसिटी अगर बढ़ने लगी तो आपके स्किन का लुक अच्छा हो जाएगा और यंग लुक आएगा। अब इसके साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी बहुत जरूरी है। तो विटामिन D3 जो स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट रखता है, और स्किन की चमक जो है वो अच्छी रखता है, इसके लिए विटामिन D3 भी लेना जरूरी है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, अगर इसका सप्लीमेंट रेगुलर लिया जाए तो आपका स्किन का हाइड्रेशन अच्छा रहेगा। और उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी सप्लीमेंट लेना चाहिए, जिससे कि हम हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं उसकी वजह से भी स्किन का डैमेज होता है, तो वो कवर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट अगर आप 3 मंथ्स लेते हो तो उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स भी कम हो जाएगा, और उससे स्किन का डैमेज होना धीरे धीरे बहुत कम होता है। अगर स्किन डैमेज होना कम हो गया तो स्किन का लुक अपने आप यंग आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। विटामिन डी बहुत कंपलसरी है। विटामिन डी सबसे अच्छा स्किन प्रोटेक्शन है, उसके लिए आप विटामिन डी भी रेगुलर लीजिए। वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ के उनके सलाह से ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेंगे। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दोनों ऐड करके आपका मेनोपॉज से जो नुकसान हो रहा था वो स्किन की देखभाल अच्छी हो जाएगी, और आपका जो ब्यूटी होगा वो एजलेस ब्यूटी होगा। थैंक यू।